हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आज के इस सेक्शन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के सेक्शन में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में रेज्यूमे कैसे बनाए। फ्रेंड्स, जब कभी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो तभी हमें रेज्यूमे की ज़रूरत पड़ती है। तब हम जॉब रेज्यूमे बनाने के लिए साइबर कैफ़े में जाते हैं, तो इसलिए चलिए मैं आपको सिखाती हूँ रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। रेज्यूमे बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि रेज्यूमे होता क्या है। रेज्यूमे हमारी पर्सनल डिटेल होती है, जैसे कि नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, क्वालिफिकेशन, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस इत्यादि इंफॉर्मेशन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेज्यूमे बनाने से पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना पड़ेगा। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपको पेज की साइज़ पेज लेआउट में जाके उसकी साइज़ A4 कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको रेज्यूमे बनाने से पहले आपको एक बात याद रखनी होगी कि रेज्यूमे मतलब आपको आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने। तो रेज्यूमे आपको इतना भी भरना नहीं है कि इंटरव्यू लेने वाले को समझ में ना आए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। रेज्यूमे सबसे पहले जो होना चाहिए वो है हेडिंग। तो चलिए हम हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको सेंटर में कर लीजिए, सिलेक्ट करके बोल्ड और अंडरलाइन कर लीजिए और इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से बोल्ड और ये हटा दीजिए, उसको एंटर कीजिए और लेफ्ट अलाइनमेंट कर लीजिए और यहाँ से साइज थोड़ी कम कर दीजिए। फिर अभी रेज्यूमे में सबसे पहला जो होना चाहिए वो है आपका नाम। तो चलिए यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। मैं मेरा नाम यहाँ पे डाल देती हूँ। आपका नाम होना चाहिए सबसे पहले, ताकि इंटरव्यू लेने वाले को सबसे पहले आपको जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपना रेज्यूम देते हो तो उनको अपना नाम मिलना चाहिए। तो आपको अपना नाम, हमारा नाम ढूंढने की ज़रूरत उनको पड़नी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपको एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल उसके नीचे लिखनी चाहिए। क्यों लिखनी चाहिए? क्योंकि अगर इन केस इंटरव्यू होने के बाद अगर वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट उनको तुरंत मिलना चाहिए। वो आपको आपका कॉन्टैक्ट उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसके लिए आपका नाम होने के बाद तुरंत यहाँ पे एड्रेस लिख लीजिए। अभी हमारे पास टाइम कम है, इसके लिए मैं एड्रेस लिखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स है, मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या पेस्ट किया है। मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद फिर ईमेल एड्रेस, ये मैंने यहाँ पर डाला है। इतना होने के बाद उसके नीचे आप एक अंडरलाइन मार दीजिए। तो इस शेप में जाके यहाँ पे यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए और उसको यहाँ से उसका वेट बढ़ा दीजिए। फिर उसके नीचे आपको लिखना है करियर ऑब्जेक्ट। अभी करियर ऑब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए? करियर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? आप उसमें करियर ऑब्जेक्टिव में आपका आना चाहिए आप कौन हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप फिर आप उनकी कंपनी को कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे, ये आपके करियर ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए। और वो करियर ऑब्जेक्टिव एक दो लाइन का होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हेडिंग अभी करियर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं, इसकी साइज़ मैंने 20 रख दी और यहाँ से बोल्ड कर दीजिए। फिर उसके नीचे आपको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ करियर ऑब्जेक्टिव। देखिए करियर का ऑब्जेक्टिव हो गया। करियर ऑब्जेक्टिव होने के बाद यहाँ पे उसका फॉन्ट आपको यहाँ से चेंज करना है। फिर उसके बाद आपको फिर
फिर से एक लाइन बनानी है, तो शेप में जाके यहाँ से लाइन ले लीजिए और इसका वेट यहाँ से बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद आपको जो लिखना है वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको एक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको लिखना है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो इसकी भी साइज़ हमने 20 साइज़ रखी थी, तो यहाँ से हम 20 साइज़ रख देते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में लिखने का, तो अभी आपको टेबल इंसर्ट में जाके यहाँ से टेबल लेना है। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी है, तो मैं यहाँ से ही कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। वहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी कैसे बनाया टेबल। इंसर्ट में जाके पहले टेबल इंसर्ट किया, तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा हेडिंग है यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट हेडिंग है ईयर, देन डिग्री एंड परसेंटेज। आपको यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी लिखनी है, फिर कभी आपने पास किया था वो, और नीट पहले आपको 10th फिर 12th और आपका ग्रेजुएशन हुआ रहेगा तो वो लिखने का है। फिर परसेंटेज, ये आपको ऐसा टेबल बनाना है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। फिर उसके नीचे फिर से एक अंडरलाइन डाल दीजिए, एक लाइन यहाँ से डाल दीजिए और इसका वेट वगैरह बढ़ा दीजिए यहाँ से। फिर ये लेने के बाद आपको नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपको आईटी स्किल सेट करनी है। तो इसके बाद आपको आईटी स्किल डालनी है आपकी, तो चलिए अभी डाल देते हैं। तो इसको पहले लाइन को एडजस्ट कीजिए और उसके नीचे क्लिक करके यहाँ पे डाल दीजिए हेडिंग आईटी स्किल। तो आईटी स्किल ये हेडिंग हमने डाल दी, इसको अंडरलाइन कीजिए और इसकी साइज़ हमने 20 रखी थी, तो 20 साइज़ हमने यहाँ से कर ली। फिर उसके बाद हम डाल देते हैं आईटी स्किल। अभी यहाँ पे पहले से मैंने बना के रखा है, तो वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट। तो आईटी स्किल में आपका क्या आना चाहिए, आईटी स्किल में आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो जो कोर्स हुए वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है ट्रिपल सी, टैली, एडवांस एक्सेल। फिर टाइपिंग में मैंने डाला है, टाइपिंग में इंग्लिश मराठी, अब मेरा टाइपिंग हुआ है तो वो टाइपिंग मैंने डाल दिया। तो ऐसे आप आईटी स्किल में डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, आईटी स्किल डालने के बाद आपको फिर से एक अंडरलाइन यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको टॉपिक है कि आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। तो पर्सनल डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए हेडिंग डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके डालनी है। हमने इसके 20 साइज़ की थी, तो 20 साइज़ यहाँ से कर लीजिए। अभी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका क्या क्या आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फिर नेशनलिटी, ये ऑप्शन यहाँ पे डालने। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाला है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी, ये मैंने यहाँ पे डाला है। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपको डालना है वर्क एक्सपीरियंस। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो इसको भी साइज़ बढ़ा दीजिए
वर्क एक्सपीरियंस में आपका आएगा कि आपने पहले कहाँ पे काम किया है, वो आएगा। अगर आपने किधर भी काम किया नहीं रहेगा तो आप फ्रेशर डाल दीजिए, अगर आपने काम जहाँ पे किया रहेगा तो उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि आपने कौन सी कंपनी में, ये मैंने यहाँ पे डाला है, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, जैसे वर्किंग जो भी कंपनी रहेगी आपकी, वो कंपनी का नाम और कितने ईयर से आपने काम किया था वहाँ पे, आपका पोस्ट क्या था, ऐसा आप डाल सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपने काम किया रहेगा, वो प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। वर्क एक्सपीरियंस में आपको ये डालना है। फिर उसके बाद आपका जो आएगा वो है डिक्लरेशन। तो डिक्लरेशन क्या रहता है कि डिक्लरेशन में आप डालते हैं कि आपने जो भी बनाया है, जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन डाली है, वो एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है, उस इसके लिए वो डिक्लरेशन आपको डालना पड़ता है। तो ये डिक्लरेशन आप डाल दीजिए। इसके बाद नीचे यहाँ पे डिक्लरेशन डाल दीजिए। तो मतलब डिक्लेरेशन से पता चलता है कि ऊपर हमने जो इंफॉर्मेशन फिल की है वो राइट है करके। तो इसके लिए आपको डिक्लेरेशन डालना है। फिर डिक्लेरेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे डालनी है डेट, फिर उसके नीचे डालना है प्लेस, और फिर यहाँ पे आपको डालना है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में आपका नाम आएगा। तो जब भी आप रेज्यूम दोगे किसी को तो डेट और यहाँ पे आपका प्लेस और साइन करके आपको देने का है। तो इस प्रकार हम अगर आपको रेज्यूम में यहाँ पे पिक्चर डालना रहेगा, मतलब अगर आपको पिक्चर लेना है तो इंसर्ट में जाके आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। इंसर्ट में जाके आपको पिक्चर के ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको जो आपके पीसी में आपका पिक्चर रहेगा वो सिलेक्ट करके इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद उसके साइज़ यहाँ पे कम करके यहाँ पे पोजीशन से आप यहाँ से मूव कर सकते हो। तो ऐसा आप पिक्चर ले सकते हो। तो आप ऐसा पिक्चर यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है तो डिज़ाइन में जाके यहाँ पे पेज बॉर्डर में बॉक्स बॉर्डर और ओके। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गई। इस प्रकार हम रेज्यूम बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।